वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे सैमसंग का जो चेन्नई में प्लांट है, एग्जैक्टली वहां का जो वर्कर्स है वो लोग बहुत दिन से 9 सितंबर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहां काम जो है पूरा ठप पड़ गया है इसको लेके। तो अगर आप ये चैनल में पुराने हैं, अगर आप पुराने वीडियो देखते हैं मेरे, तो आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था फोर्ट के ऊपर कि फोर्ट जो है वो अपना जो प्लांट है चेन्नई में वो फिर से रीओपन करेगा और इंडिया में फोर्ट फिर से प्रोडक्शन करेगा और फोर्ट इंडिया में भी सेल करेगा, साथ ही साथ इंडिया में जो प्रोडक्शन होगा वो फोर्ट एक्सपोर्ट भी करेगा दुनिया भर में। तो इसी वीडियो में मैंने आपको कहा था कि तमिलनाडु के जो CM है स्टालिन वो US जाने वाले हैं, वहाँ वो फोर्ट के जो मैनेजमेंट के एम्प्लॉई है उन लोगों से मिलेंगे, आगे जाके जो डिसीजन है वहाँ से लिया जाएगा। ऑन द अदर साइड स्टालिन अपना ये जो US विजिट है, इस विजिट में ही और भी ज़्यादा जो इन्वेस्टर है, जो लोग इंटरेस्टेड है तमिलनाडु में इन्वेस्ट करने के लिए, स्पेशली अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर को देख लीजिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को देख लीजिए, ये सारा सेक्टर में वो बात करेंगे और हो सकता है कि वो जब वापस आएंगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो तमिलनाडु के लिए बहुत सारा इन्वेस्टर और नया नया जो प्रोजेक्ट है वो लाए जो आगे आके तमिलनाडु में सेटअप होगा। तो जब स्टालिन US में है कि और भी कैसे इन्वेस्टर को कन्विंस किया जाए। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग तमिलनाडु में देखें जहाँ ये सैमसंग का फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में ऑलरेडी प्रोटेस्ट चल रहा है वो भी सितंबर 9 से। मोर देन 100 एम्प्लॉय सैमसंग के वो अपने तरफ से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन लोगों का कहना है कि जब तक उन लोगों का जो मांग है वो फुलफिल नहीं होगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग अपना ये जो प्रोटेस्ट है ये चलाते ही जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि उन लोगों का मांग क्या है। उन लोगों का 3 मांग है। पहला जो मांग है कि उन लोगों का जो एवरेज सैलरी है ये आपका 25,000 है, ऑन द अदर साइड इसको इंक्रीज करके नेक्स्ट 3 में ये 36,000 तक किया जाए। दूसरा जो मांग है वो है उन लोगों का ट्रेड यूनियन CITU जो कि लेफ्ट को सपोर्ट करता है, CITU को आगे जाके रिकॉग्नाइजेशन दिया जाए। और तीसरा जो मांग है कि भाई जो वर्क एनवायरनमेंट है उसको और भी तरक्की किया जाए, मतलब वर्क जहां वो लोग काम करते हैं वो जो जगह है उसमें और भी आगे जाके डेवलपमेंट लाया जाए। अगर ये 3 मांगे उन लोगों का फुलफिल हो जाता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये जो वर्कर है सैमसंग के ये लोग फिर से रिजॉइन कर लेगा। ऑन द अदर साइड सैमसंग के तरफ से ये मांगे जो है अभी एंटरटेन किया नहीं जा रहा है। तो चलिए डिटेल्स में डिस्कस करते हैं एग्जैक्टली ये जो 3 मांगे हैं ये वैलिड है या नहीं। तो पहला जो मांग था उन लोगों का कि भाई हम लोग का जो एवरेज सैलरी है 25,000 करके और आने वाले 3 सालों में आप लोग इसको एवरेज में 36,000 कीजिए। तो अगर देखा जाए 3 सालों में जो हाइक हो रहा है आपका 36 - 25 = 11,000 और अगर हम लोग इसको 3 से डिवाइड करें तो आपका होता है 3,666 रुपीज़। मतलब हर साल में अगर हम लोग देखें तो 3,666 मतलब राउंड अबाउट 4,000 के आसपास हम लोग हाइक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड उन लोगों का एवरेज सैलरी अभी है 25,000, मतलब 25,000 में वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन लोगों का 3,666 हाइट हो, तो लगभग आपका अगर देखा जाए 14% के आसपास ही होना चाहिए। तो पर ईयर अगर कोई एम्प्लॉई एवरेज में 14% का हाइक मांग रहा है कि ये वैलिड है, आपको क्या लगता है? ये सैमसंग जो कंपनी है ये ऑब्वियसली ये कोरियन कंपनी है, वो इंडिया में आके बिजनेस कर रहे हैं। आज के डेट में अगर हम लोग देखें सैमसंग वन ऑफ द मार्केट के जाइंट है, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही देखें तो नो डाउट सैमसंग इज डूइंग वेरी वेल इन इंडिया। ऑन द अदर साइड जो एम्प्लॉई है वो इंडियन एम्प्लॉई है और उन लोग का मांग है कि भाई हम लोग का जो पर ईयर ग्रोथ होना चाहिए वो आपका 14% के आसपास हम लोग का जो सैलरी है वो हाइक होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, क्या ये एक वैलिड पॉइंट है? अगर ये लोग जो मांग रहे हैं कि भाई हम लोग का जो सैलरी एवरेज में हाइक होगा ये सही है या नहीं, कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका ही कमेंट डिनोट करता है कि आप इसको लेके क्या सोचते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसमें इन लोगों का मांग है कि इन लोगों का जो यूनियन है CITU उसको रिकॉग्नाइजेशन दिया जाए आगे सैमसंग की तरफ से। ऑन द अदर साइड सैमसंग ये मानने के लिए तैयार नहीं है। आज के डेट में आप कोई भी कंपनी ले लीजिए, इंडियन कंपनी भी इंक्लूडिंग जो फॉरेन कंपनीज आते हैं, कभी भी कोई कंपनी जो यूनियन है उन लोगों को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि उन लोगों को पता है कि यूनियन को अगर सपोर्ट करेंगे तो ये जो हमारे एम्प्लॉई है ये लोग यूनाइटेड हो जाएंगे, साथ ही साथ इन लोगों का जो हर दूसरा तीसरा दिन मांग हो सकता है, स्ट्राइक हो सकता है और बहुत सारे कुछ उन लोगों को एंटरटेन करना पड़ेगा। इसीलिए जब भी कोई ये कंपनी बाहर से इंडिया में काम करने आता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन लोग अपने तरफ से क्लॉज डाल देता है कि भाई आप लोग यहाँ काम कर सकते हो मगर आप लोग कोई यहाँ यूनियन या फिर ऐसा कुछ बना नहीं सकते हो। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए जो एम्प्लॉई है अगर उन लोगों के पास कोई यूनियन नहीं रहता है तो उन लोगों के पास अपना जो आवाज़ है उसको बुलंद करने का कोई चांसेस नहीं रहता है। अगर वो लोग यूनाइटेड नहीं है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन लोगों के साथ कुछ भी हो, भले ही उन लोगों को कम सैलरी दिया जाए या फिर उन लोगों को जो एनवायरनमेंट है जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो अगर ठीक ना रहे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो लोग इंडिविजुअली अगर कोई भी कुछ बोलता है कोई एंटरटेन नहीं करेगा। ऑन द अदर साइड अगर वो लोग यूनाइटेड होकर प्रोटेस्ट करता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन लोगों को एंटरटेन किया जाता है।
तो देखा जाए तो एक तरह से ये कंपनी के लिए सही नहीं है, क्योंकि कंपनी सोचेगा कि भाई हम लोग के एम्प्लॉय को हम लोग ज़्यादा पावर प्रोवाइड नहीं करेंगे। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, अगर जो एम्प्लॉय है उन लोगों का जो परेशानियां हैं, उन लोगों का जो प्रॉब्लम है उसको अगर रेस करना है, उसको अगर सॉल्व करना है, तो ऑब्वियसली जो एम्प्लॉय यूनियन होता है वो इनमें सपोर्ट करता है। तो आगे जाके सैमसंग अपने तरफ से ये जो एम्प्लॉय यूनियन है इसको एंटरटेन करेगा या नहीं करेगा, ये हम लोग को इन फ्यूचर ही पता चलेगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका जो वर्किंग कंडीशन या फिर जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, मतलब जहाँ ये एम्प्लॉय लोग काम करते हैं उसका इम्प्रूवमेंट को लेकर। नो डाउट ये वन ऑफ द वैलिड पॉइंट है, क्योंकि अगर हम लोग पास्ट में भी देखें, तमिलनाडु में बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो वर्कर है वो लोग जहाँ रहते हैं उन लोगों का रहना या फिर खाना पीना का जो सामान है वो काफ़ी लो क्वालिटी के प्रोवाइड किया जाता है, या फिर बेसिक जो नेसेसिटी है उन लोग को प्रोवाइड नहीं किया जाता है डिफरेंट कंपनीज में। अगर हम लोग पास्ट में देखें तो हम लोग को पता चलता है दिसंबर 2021 में फॉक्सकॉन के जो हॉस्टल फैसिलिटी थे वहाँ फॉक्सकॉन के 250 वर्कर में फूड पॉइजनिंग देखा गया। आगे जाके उन लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया, और उसके बाद ये जो सिचुएशन है एग्जैक्टली वहाँ के जो एम्प्लॉई वो लोग किस तरह से रहते हैं, उन लोगों का लाइफ स्टाइल क्या है, ये सबके सामने आया। ये इंसिडेंट को लेके आगे प्रोटेस्ट हुआ। ऑन द अदर साइड फॉक्सकॉन जो है वो एप्पल को अपने तरफ से मतलब सर्विस प्रोवाइड करते थे, जिसके वजह से एप्पल जब देखा कि ऐसा कुछ हो रहा है, एप्पल ने अपनी तरफ से फॉक्सकॉन का वो जो फैसिलिटी है उसको टेम्पररली अंडर प्रोहिबिशन में डाल दिया था। आगे जाके इसको लेके बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ, और उसके बाद से गवर्नमेंट ने भी अपने तरफ से स्टेप लिया कि भाई जो एम्प्लॉई है, जो वर्कर है कोई भी कंपनी का, उन लोगों को एक अच्छा लाइफ दिया जाए, उन लोग जहाँ रहते हैं, जहाँ खाना पीना करते हैं, वो एकदम मतलब एकदम उन लोगों को जो बेसिक नेसिटी है वो प्रोवाइड किया जाए। आज के टाइम में अगर देखा जाए सैमसंग अपने तरफ से ये जो 3 डिमांड है वर्कर्स का ये फुलफिल नहीं करने के लिए रेडी नहीं है। ऑन द अदर साइड सैमसंग ने अपने तरफ से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस किया है, और सैमसंग ने अपने तरफ से जो वर्कर है उन लोग को वार्न कर दिया है कि भाई आप लोग जल्दी से आके फिर से अपना काम में ज्वाइन करो, अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप लोगों के अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा, और आप लोगों को जो सैलरी है वो पेमेंट नहीं किया जाएगा। ऑन द अदर साइड आप लोगों को जो जो फैसिलिटीज दिया गया था सब वापस लिया जाएगा। तो होपफुली इसमें जो वर्कर है ये भी इतने जल्दी मानने वाला नहीं है। ऑन द अदर साइड एज वी नो जो सैमसंग है ये दुनिया भर में बिजनेस करता है। आज के डेट में अगर कोरिया स्टॉक एक्सचेंज में देखें तो सैमसंग का जो शेयर का प्राइस है वो धीरे 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 वो डिक्रीज ही होता जा रहा है, क्योंकि सबको पता है कि इंडिया में सैमसंग का जो फैक्ट्री है उसमें इस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसके वजह से ये जो इफेक्ट है वो सैमसंग का जो शेयर प्राइसेस है उसमें भी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भी अगर हम लोग गवर्नमेंट स्टेप को लेकर डिस्कस करें तो प्रेजेंटली गवर्नमेंट अपने तरफ से कुछ भी स्टेप नहीं लिया इस इंसिडेंट को लेकर, क्योंकि एक तरह अगर देखा जाए गवर्नमेंट के लिए मैटर करता है जो वर्कर है वो। ऑन द अदर साइड इंडिया जैसे जो ग्रोइंग कंट्री है उन लोग को ऑब्वियसली जो फॉरेन इन्वेस्टर है या फिर उन लोग का जो कंपनी सेटअप है वो भी चलाना है, तो गवर्नमेंट चाह रहा है कि भाई दोनों में बैलेंस होके एग्जैक्टली ये आपस में मिल बैठ के अगर ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है। ऑन द अदर साइड दोनों पक्ष ही अपने तरफ से अपना जो बेस्ट है वो प्रोवाइड कर रहा है कि एक दूसरे से ज़्यादा कैसे गेन किया जाए इसको लेके। तो होपफुली ये जो इंसिडेंट है ये इतने जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है, आगे इसको लेके और भी कुछ चैप्टर ऐड होगा। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है इस इंसिडेंट को लेके मैं आप लोगों के लिए एक अलग सा वीडियो बना दूंगा, और ऐसे ही अगर इंटरेस्टिंग वीडियो आपको और देखना है तो चैनल में आप जा सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है अतनु पॉल, दैट इज़ ATANU SPAUL। अगर आप चैनल में जाते हैं तो आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलने वाला है। जो वीडियो आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप ये वीडियो उनके साथ शेयर करते हैं तो आपका जो टेस्ट है आपको क्या देखना अच्छा लगता है तो वो उन तक पहुंचता है। अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का रोजी रोटी भी चलता रहता है, और जब भी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियोज़ जो है वो डिफरेंट टाइम में आता है, जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।